हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। यहाँ हमने 1 कप के करीब राजमा लिया है। इसमें 4 कप पानी डाला है। 1 स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे और 1 स्पून के करीब नमक डालकर इसमें हम 4 सीटी लगवाएंगे। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, ग्रीन वाली इलायची, 3-4 इसमें लौंग हैं और 4-5 काली मिर्च हैं, 3 टमाटर, 3 प्याज और 4-5 लहसुन की कलियाँ। इन सबको हम छील कर तैयार कर लेते हैं। अभी हमने सीटी लगवा ली है और हमारे अच्छे से राजमा बॉईल हो गया है। अब हम तड़का लगाते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम खड़े मसाले डाल देंगे हल्का सा इनको भून के। इसके बाद इनमें हमने जो प्याज का को ग्राइंड किया हुआ था को हमें अच्छे से भून लेना है। चार इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो इसके बदले हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ लहसुन जो अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था उसको डाल देंगे। इसको भून लेंगे। इसका कलर हमें भूरे लाल रंग का करना है। अच्छे से अगर आप देख सकते हो तो इसका कलर चेंज हो गया है। इसका थोड़ा भूरे लाल रंग का कलर हो जाए। अब यहाँ हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर यहाँ डाला था हमने, थोड़ा यहाँ डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, इससे काफी अच्छा कलर आता है, ये तो तीखी नहीं होती। धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमें मसाले अभी ऐड करना है जब हमारी प्याज भुनने के प्रोसीजर में रहेगी। पहले अगर हम इसमें मिर्च ऐड कर देंगे तो वो जल जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा हमारे राजमा में। टेस्ट लाने के लिए हमें लास्ट में इसमें ऐड करना है ये सारा मसाला। वन स्पून के करीब हम यहाँ देसी घी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो स्पून के करीब तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी हमारा ऑयल हो चुका है। प्याज हमारी अच्छे से बन चुकी है। हम इसमें हम टमाटर की प्योरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स
हरे हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक, कुछ नमक हमने वहाँ डाला हुआ था पहले डाला था, थोड़ा ही नमक इसमें ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जाएगा इसमें गरम का टेस्ट लाने के लिए धनिया पत्ता, इससे काफ़ी अच्छा और लाजवाब टेस्ट आएगा। अभी 5 मिनट हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर करकर। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला लग ना जाए। अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो रही है। इसी तरह से आप भी बनाइए और मजे से खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज ना हो जाए। जब इसका ऑयल दिखने लगेगा तब हम इसमें राजमा ऐड करेंगे। वन स्पून गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अभी हमारा मसाला भुनने ही वाला है। आप देख सकते हो कितना गजब का टेक्सचर आया हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती हुई है किचन में आ रही है खुशबू से। बिल्कुल ऐसे ही टेस्टी और लाजवाब हमारा ये ढाबा बनेगा जैसे ढाबों में मिलता है। अभी आप देख सकते हो मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। ऑयल रिलीज हो चुका है अच्छे से। अच्छे से हमारा मसाला बन चुका है। मसाला पूरा हमें इसी तरह से भूनना है जब तक हम इसमें राजमा ऐड नहीं करेंगे, जब तक हमारा मसाले से ऑयल रिलीज ना हो जाए। आप देख सकते हो ऑयल अलग दिखने लगा है। मैंने थोड़ा ऑयल का कम यूज किया है लेकिन फिर भी दिख रहा है अलग अलग। ज़्यादा यूज करते तो फिर बहुत ज़्यादा दिखता। अभी हम यहाँ राजमा ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका टेक्सचर निकल कर आया है कितना टेस्टी हमारा राजमा लग रहा है। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना गजब का कलर और टेक्सचर उभर कर आया है। बहुत ही गजब हमारा राजमा बना है। इसको आप राइस के साथ या रोटी या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही गजब और टेस्टी हमारा राजमा बना है। इस तरह से आप राजमा बनाएंगे तो घर वाले तो क्या बाहर वाले भी तारीफें करते नहीं थकेंगे। बिल्कुल बहुत गजब का टेक्सचर आता है इस तरह से।
अभी सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो मस्त हमारा राजमा बनकर तैयार हुआ है, गजब का टेक्सचर आया हुआ है। इस तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका धन्यवाद जो आप सब मुझसे जुड़े हैं। इस तरह से ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।